हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च अकेडमी में। और मैं लेके आया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस प्रेडिक्शन कल की बात आज एपिसोड नंबर 446। इस एपिसोड्स के माध्यम से ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एडवांस में प्रिडिक्ट करके बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी। अच्छे अच्छे लोगों के बस के नहीं है, डायरेक्ट लेवल्स देता हूँ कि भैया यहाँ पे आपको सेल करना है, यहाँ पे आपको बाई करना है, सिंपल और आसान शब्दों में। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज एक्सएस निफ्टी में करीब करीब 250 पॉइंट की गिरावट है, 1.5% की गिरावट है। तो कल क्या रणनीति होगी, कल किस लेवल्स पे बाइंग करना है, ग्लोबल मार्केट पे रेड है, क्या स्ट्रेटजी है, कहां पे बाइंग करना है या फिर कल सेल करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको सीखने को मिलेगा। और सीखें तो किंग रिसर्च को दुआ में याद रखने को ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले निफ्टी में आई बाहर, इन लेवल्स पे रखो नजर। एपिसोड नंबर 446 डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ट्रेड करिएगा। साथ ही साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो लेवल्स है ये है लेवल्स। सबसे पहले मैं आपको एक्सएस निफ्टी दिखा दूं। मेरे दोस्त आप देख सकते हो, मैं आपको रिफ्रेश भी कर देता हूं। और रिफ्रेश करने के बाद 4240 पॉइंट्स की गिरावट, यानी कि ऑलमोस्ट 1.33% की एचजीएस निफ्टी में गिरावट है। तो जो लोग एचजीएस निफ्टी देखने में भरोसा रखते हैं वो खुश तो बहुत होंगे। भैया हमें देखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग के लिए लेके आया, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं आज डरा दूं। आप लोग एचजीएस निफ्टी देखते हो ना, हाथ खड़े करना जो लोग एचजीएस निफ्टी देखते हैं। लगे रहता है ना एचजीएस निफ्टी के पीछे कि एचजीएस निफ्टी क्या करेगी, कल उस हिसाब से काम करेंगे। लाइफ में कभी एचजीएस निफ्टी में ट्रेड किया क्या? नहीं किया ना, तो फिर काई को देखते हो? देखकर अपने अंदर इमोशंस लेके आते हो और जब फिर बोलते हो कि सर मेरे अंदर इमोशंस आया था, मैं क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं। कचरा देखना बंद कर दो ना, जिस दिन कचरा देखना बंद कर दिया ना, आपका इमोशन का आया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। सो भैया दुनिया बोलेगी एचजीएस निफ्टी देखो, अच्छा ये देखो डाउ मामा सर 2.5% की गिरावट, S&P 500 2.5% की गिरावट, नेक्स्ट डेट 3.5% की गिरावट फट से। तो आप ये बताओ, मैं आपसे एक लॉजिक जानना चाहता हूं, क्या आप कल कोई स्टॉक में अगर मैं बाइंग दूंगा या फिर कोई भी हमारे सेटअप रूल बेस्ड सेटअप के बेसिस पे बाइंग आया होगा और ये रिजल्ट देख के कल आप सेल करोगे, बाइंग करोगे? आपसे सवाल है, क्या कल आप बाइंग करोगे? नहीं ना, आप हमेशा सेल 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 सेल, पूरे माइंड के अंदर साइकोलॉजी आपकी घूम रही होगी सेल 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 सेल। और गलती से आज रात को आपकी कोई कोई पोजिशन खड़ी होगी ना, तो रात के 2-2 बजे तक देखने का वेट कर रहे होंगे, या फिर हे भगवान एक बार एचजीएस निफ्टी को प्लस कर दे यार, कल मेरे को ग्रीन में चाहिए क्योंकि पोजिशन खड़ी है ना। तो भाई उससे मार्केट चलता है क्या? आप क्या कर रहे हैं? तो जो लोग ये करते हैं गलत कर रहे हैं मेरे दोस्त। एक्सएस निफ्टी को देखो, कॉमेडी चलती रहती है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, बट उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। एक्सएस निफ्टी 250 पॉइंट गिरे है तो भैया निफ्टी भी तो 250 पॉइंट गिरने वाली है, ऐसे रात रात में रिकवर होगी? तो सही अप्रोच आपके पास होना चाहिए, एक रूल बेस्ड सेटअप आपके पास होना चाहिए। उसी रूल बेस्ड सेटअप को, सही अप्रोच को फॉलो करके मैं आपको निफ्टी को कल गिरते हुए मार्केट में जिस लेवल पे बोलोगे उस लेवल पे बाइंग कराऊंगा। ध्यान से पेपर पेन लेके बैठना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो, कल क्या करें, उससे पहले मैंने कल करने के लिए क्या बोला था वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। गाइस आपको अगर याद होगा, आपका अकेला लौता भाई था, 17,847 के ऊपर क्लियर कट बोला था कि बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, घबराना नहीं है घबराना नहीं है। 947 का पहला टारगेट दिया था और उसके बाद 18147 का ये वाला टारगेट दिया था सर। ऑलमोस्ट 18123 का मेड हाई, चेक कर लेना 23 का मेड हाई, तो 20 पॉइंट से रह गया, 25 पॉइंट से रह गया, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अचीव। मेरे भाई 847 से नो चिंदीगिरी यार, 147 300 पॉइंट की रैली, चलो 275 पॉइंट की रैली दिलाई है। आप जिसको भी फॉलो कर तो चेक लेना, 25 30 40 पॉइंट में निफ्टी में चिल्लाना चालू कर देते हैं। और मैंने क्लियर कट बोला बाइंग करो, और आज भी सेम स्टेटमेंट बोल रहा हूं बाइंग ऑन डिप, एक हफ्ते से बैक टू बैक चिल्ला रहा हूं बाइंग ऑन डिप, आज भी बोल रहा हूं बाइंग ऑन डिप। ये एक्सएस निफ्टी मैं तो चाहता ही हूं ना कि बाइंग ऑन डिप हो मार्केट में। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर मार्केट में तेजी होगी तो थोड़ा सा करेक्शन हो, फिर ऊपर बाउंस बैक मजा आता है, अगर नॉन स्टॉप जा रहा था वो गड़बड़ है। तो अब ध्यान से देना, दो स्टेटमेंट दूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, पेपर पेन लेके बैठना, वीडियो को भगा के मत देखना, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो समझ में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? अब ध्यान से समझने वाली बात ये है मेरे दोस्त, अगर 18,056 के ध्यान से समझो, 18,056 के ऊपर बैक टू बैक 3 डेज और वीकली बेसिस पे
वीकली बेसिस पे 18,056 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। कल गैप डाउन खुल जाएगा तो क्लोजिंग तो नहीं होगी, फिर फेल हो गया, फिर अगेन दोबारा इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है। तो मेरे दोस्त, मेरा टारगेट मैं क्लियर कट आपको बता दूं, 18,346, 18,447 का टारगेट है। अगर 18,056 के ऊपर अगर मार्केट ने बैक टू बैक 3 दिन या वीकली आपको क्लोजिंग दे दी तो ये मेरा टारगेट है, रुक सको तो रुक लेना। दिस इज टाइम गोल थ्योरी, मैं सोच समझ के आपको बात कर रहा हूं। पहला स्टेटमेंट क्लियर, नीट एंड क्लीन। अब कल मार्केट तो गैप डाउन खुलेगी, एक्सचेंज निफ्टी यही बोल रही है, रात को रिकवर हो जाए बात की बात है, लेकिन आप लोग एक्सचेंज निफ्टी देखते हो तो आपके हिसाब से मैं समझाना चाहता हूं। मान लो कल आपको 200 250 पॉइंट नीचे खुल गई तो सर आपका करीब करीब 18,870 के आसपास, यानी कि करीब करीब 18,870 के सॉरी 18,000 सॉरी 17,870 900 के आसपास खुलेगा, ठीक है, 18,900 के आसपास खुलती है। यानी कि अगर जो अभी देख रहे हो उसके हिसाब से जो आपका लेवल है, मैंने ये एग्जिस्ट निफ्टी बाद में गिरी है आज, मैं तो एक हफ्ते से चिल्ला रहा हूं ना, क्या चिल्ला रहा था, इसके नीचे आएगा तो पहला टारगेट 17,947, दूसरा टारगेट 17,847, और मैं फिर बोल रहा हूं अपने स्टेटमेंट में 17,847 बाइंग ऑन डिप, इस जगह पे आपको बाइंग करने का सोचना है। मार्केट हो सकता है यहीं से रिबाउंड लेगा, और ये मैं अभी आज लेवल नहीं बना, एक हफ्ते से चला रहा हूं, अगर नोट कर लेना। दूसरा 17,647, ये भी जोन आपको बाइंग करने का सोचना है, 17,847 एंड 17,647, ये 200 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में भी बाइंग करने का सोचना है। इफ यू आर अ लॉयल हार्ट ट्रेडर बिंदास यू कैन गो फॉर ट्रेड हियर, और अगर आपके पास शेयर का जिक्र नहीं है तो घबराओ मत, इस जोन पे आए तो भी आपको बाइंग करने का सोचना है, बात खत्म, घबराना नहीं है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। मार्केट में गिरावट आएगी, पैनिक करेगा, तभी तो आप माल बेचोगे, तभी तो मार्केट रैली ऊपर करेगा। आप माल ही नहीं बेचोगे, पकड़ के बाइंग करके बैठे रहोगे तो क्या ऑपरेटर आपको ऊपर लेके जाएगा, आप पैसा नहीं कमा लोगे। अगर आप पैसा कमाओगे तो ऑपरेटर क्या कमाएगा, बाबा जी का टुल्लू। तो इसलिए पहले वो आपका माल कटवाएगा, उसके बाद निफ्टी को अब की बार 19,000-20,000 के पार भी लेके जाएगा, राइट। तो ये मेरी रणनीति है, बट बिना स्टॉप लॉस के मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो कम एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं आपको स्टॉप लॉस मेंशन करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी तक आप नए हो तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। सो अगेन 847 ओनली थिंग फॉर द बाई, 647 ओनली थिंग फॉर द बाई, और अब की बार 18,147 के ऊपर कल निकल गया तो सर 18,247 एंड 18,347 का ये मेरे दो टारगेट बैंग ऑन होने वाले हैं। 147 के ऊपर निकल गया तो बैंग ऑन होने वाले हैं, इसी को मैंने लिख के दिया हुआ है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स, आपको हेल्प मिलेगी। 18,147 के ऊपर एटलीस्ट 30-40 मिनट सस्टेन कर गया, 18,270 18,347 तक का टारगेट है, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के टारगेट की बात कर रहा हूं, मार्क माई वर्ड, नो चिंदीगिरी। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं, सिंपल, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन का कमाल है क्या, उससे पहले गाइस याद है ना मैंने किस लेवल से चिल्ला रहा हूं आप लोग ले पाई, और कब से चिल्ला रहा हूं, 39,156 के लेवल से मैं चिल्ला रहा हूं बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, और मैंने आपको टारगेट तभी दे दिया था, क्या दिया था, 40,870 का टारगेट तभी दे दिया था, यही टारगेट दिया था आपको, याद है कि नहीं याद है, कैलकुलेट कर लो, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का टारगेट आपके भाई ने एडवांस में बोल दिया था, 39,156 के ऊपर, ओनली थिंग फॉर द बाइंग, नो सेल नो सेल एनी गिरावट, पैनिक, ओनली थिंग फॉर द बाइंग, रिजल्ट आपके सामने है, टारगेट आपके सामने है, टारगेट बैंग ऑन, दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 41,256 का दिया था, याद कर लो ना, अगर याद नहीं आ रही है तो, दिया था पहला टारगेट अचीव। अब एक्सचेंज के निफ्टी के हिसाब से 400 पॉइंट अगर ये गिर जाती है कोई बात नहीं ना भाई, नोट करो लेवल्स को, नोट करो, फिर बोल रहा हूं नोट करो, ध्यान से समझा, 40,156 इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है, और इस जोन पे आए तो बाइंग करने का सोचना है, 39,656 इस जोन पे आए तो बाइंग करने का सोचना है, घबराने का नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं घबराने का जो नहीं है, 39,156 के ऊपर घबराने का नहीं है, ओनली थिंग फॉर द बाय, एनी डिक्लाइन एनी पैनिक ओनली थिंग फॉर द बाय, ठीक है,
बाकी मार्केट में, लाइव मार्केट में कुछ भी हेर फेर रहेगा, चेंज रहेगा, तो वो मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। और अगर इस बार मेरे को आप लोगों ने 41,256 के ऊपर क्लोजिंग करवा दी, तो भैया फिर से बोल रहा हूं 1500 पॉइंट का ऊपर का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, और मैं गिरते हुए मार्केट में एडवांस से प्रेडिक्शन कर रहा हूं। अगर 41,256 के ऊपर जाता है तो मेरा टारगेट 41,854 का पहला रहेगा, 42,356 का दूसरा टारगेट रहेगा, एंड सिट रिलैक्स। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स भी ले देता हूं जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, प्लीज मेक श्योर आप नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 40,156, 39,656 विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट। इस जोन पे आए तो ओनली थिंक फॉर द पाई, और 41,156 मैंने आपको सेफर साइड में बोला है, 41,256 के ऊपर आए तो बिंदास बाइंग कर सकते हैं। इट विल जूम टू किस 41,856, 42,356 तक का टारगेट दिया है, एंड इट विल डिक्लाइन, एनी पैनिक। जो मेरा सपोर्ट जोन है 40,156, 656 इस जगह पे बाइंग करना है। और मैंने आपको बताया 870 के ऊपर, 870 के ऊपर अगर क्लोज कर जाती है तो आई विल शो यू द रियल ब्लास्ट इन बैंक निफ्टी। थ्री कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके ऊपर दिला दो मेरे दोस्त, मेरा टारगेट 41,856, 42,356 तक का टारगेट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब की बार 45,000 के पार कोई बड़ी बात नहीं है आ जाए, तो मार्केट को मार्केट के हिसाब से फॉलो करो। एक्सएस 50 अपना काम करने दो, डाउ जोन्स को अपना काम करने दो, S&P को अपना काम करने दो, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को अपना काम करने दो। अगर आप ट्रेड करते हो निफ्टी में, निफ्टी को नजर पे रखो, उसकी चाल को पकड़ने की कोशिश करो, वो जो बोलेगा आपको वो फॉलो करना है। एक्सएस निफ्टी जो बोलेगा उसको फॉलो करके इस पे काम नहीं करना है, लड़ाई हो जाती है कि नहीं हो जाती है। आपका एक घनिष्ठ मित्र है, बिचौलिया अगर आ जाए, वो बोलने लगे, बीच में आप लोग लगाने लग जाए, तो क्या होता है, लड़ाई हो जाती है ना दोस्तों की। तो भैया निफ्टी से दोस्ती करो, बैंक निफ्टी से दोस्ती करो, फालतूगिरी से दोस्ती नहीं करना, फॉलो करना ही नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर अच्छा लगता है देखने में, कपिल शर्मा का शो देखो ना, किसने मना किया है? स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो? स्टॉक मार्केट बिजनेस है, रियल बिजनेस। बिजनेस करना चाहते हो सीरियस होके तो आना, अदरवाइज मत आना, नहीं तो मार्केट लपेट के रख देगी। फिर बोलोगे सर मेरे साथ ऐसा हो सा हो गया, मार्केट ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। फिर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टॉक मार्केट इज अ सीरियस बिजनेस, इसको एज अ प्रोफेशनल लो, फालतूगिरी में मत पड़ो, पैसा तो बनता है। हैरी की चेरिशर 172 एपिसोड मैंने कल आपको दिया था, जिसमें सर पॉलीकैब में 14,100 रुपए का प्रॉफिट बनाया, साथ ही साथ मैंने एस्ट्रल में 22,275 का प्रॉफिट बनाया, अदानी एंटरप्राइजेस में 20,000 का लॉस किया है, तो ओवरऑल 16,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली मैं आपको 8 से 10 स्टॉक्स देता हूँ, बस उनको लेवल्स नोट कर लो। इंस्टाग्राम में लेवल्स हमारे आपको हैरी के चेरी शेयर वाले मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना प्यार देते रहिए, इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहिए सर। और अगर किंग रिसर्च की तरफ से आपको हेल्प हो रही है तो उसे गरीबों का हेल्प करिए, 1% उनमें से प्रॉफिट पैसा आप निकालिए, गरीबों को खिलाइए, जानवरों को खिलाइए, बर्ड्स को खिलाइए, इतने सारे लोग हैं सर जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है। अगर आपके एक इनिशिएटिव से एक बर्ड को पानी मिल जाता है, पानी चलो बारिश का टाइम है, खाना मिल जाता है, या फिर किसी को बिल्ली को दूध पिला दो, कुछ भी जो भी आपको लगता है, जो भी आपका करने का मन हो, आप कर नहीं पा रहे हो सर, निकलो घर से बाहर यार, करके दिखाओ, मजा आता है। और मुझसे वीडियो जरूर शेयर करना जो भी आप कर रहे हो, मैं बहुत कृतज्ञ रहूंगा आप लोगों का। थैंक यू सो मच, मेरे को मोटिवेट करेगा, और मैं चाहता हूँ आपके हर एक वीडियो से मैं बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सकूँ, सोसाइटी की तरफ एक अच्छा सा पहल हम लोग स्टार्ट कर सके। जय हिंद। बाकी पुणे वर्कशॉप हमारा हाउसफुल हो गया है, गोवा वालों बी रेडी, आ रहा हूँ आपके गोवा में, और गोवा में इस बार हमारा वर्कशॉप होने वाला है, सो मस्ती भी करेंगे, साथ में ट्रेडिंग भी सीखेंगे और साथ में पैसा भी कमाएंगे। सो स्टे ट्यून विद किंग के साथ, और पुणे 17 और 18 तारीख को स्टे ट्यून विद अस। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत सारे फेक चैनल्स हमारे नाम पे क्रिएट हुए हैं, आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो इसलिए मेक श्योर आप अपना ध्यान रखेंगे। मेरा सिर्फ एक दो ही जो मैं आपको बताया, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल है, वही मेरा ओरिजिनल चैनल है। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल होंगे वो सारे के सारे फेक होंगे, उनको रिपोर्ट और स्पैम जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद सर।